सलमान खान और कटरीना कैफ की तो हर बात निराली है, ये जहां भी साथ होते हैं छा जाता है। अब देखिए ना, ये दोनों स्टार्स गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में साथ साथ नजर आए, जहां सलमान बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो नाराज हो गए, आइए जानते हैं। सलमान खान और कटरीना कैफ दोनों गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में नजर आए, जहां दोनों को साथ देकर लोगों की निगाहें थम गईं। एयरपोर्ट पर तो दोनों साथ दिखे ही, लेकिन कटरीना को छोड़कर सलमान आगे निकल गए। इस दौरान सलमान खान ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हो सकता है वो काम की टेंशन में थे। लेकिन इवेंट में पहुंचने के लिए सलमान खान खुद कटरीना कैफ को अपनी कार में लेकर पहुंचे और प्रोग्राम के दौरान भी उन्हीं के साथ बैठे नजर आए। आपको बता दें कि जहां आज कटरीना ने फिर से कब्जा जमाया हुआ है, वहां कुछ साल पहले तक लूलिया बैंटूर बैठी हुई नजर आती थी। जी हां, उनकी कार की बैक सीट पर भी लूलिया का ही कब्जा था, लेकिन अब कटरीना कैफ ने ये जगह वापस ले ली है। इस तस्वीर ने साफ बयां कर दिया है कि टाइगर और कटरीना की दोस्ती फिर से पक्की हो रही है। ये तस्वीर उनके एक फैन ने शेयर की है और उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी धमाल मचा रही है। हालांकि क्लोजिंग सेरेमनी में सलमान खान स्टेज पर ज्यादा नहीं बोल पाए, वो इसलिए क्योंकि उनका गला काफी खराब था और वो इवेंट को होस्ट नहीं कर पा रहे थे, और इस दौरान उनकी मदद की करण जौहर ने। तो आज मुझसे कोई गाना वाना होगा नहीं भाई, जो भी आज करेंगे करण जोर साहब करेंगे। एंड इन्होंने हमको सिखाया है, वो क्या सिखाया आपने हमको? इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। सलमान बोलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन खराब गला होने के चलते वो काफी परेशान नजर आ रहे थे। वैसे इफ्फी 2017 में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड देने से पहले अक्षय कुमार ने उन्हें मंच पर बुलाया और बिग बी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। ये मोमेंट भी काफी खास रहा। वैसे इस क्लोजिंग सेरेमनी में काफी कुछ खास था, सितारों का मेला लगा हुआ था, लेकिन हर किसी की निगाहें सलमान और कटरीना पर टिकी थी। और सलमान और कटरीना की ये सुपरहिट जोड़ी 22 दिसंबर को टाइगर जिंदा है में दिखाई देगी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब तो फैंस को इंतजार है फिल्म की रिलीज का, जो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। हम सब यही मारे जाएंगे। रिपोर्ट IBC 24। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर।